आइए आइए, देखिए दादी कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। आप यहाँ कहाँ? दादी मैं देर से आने के लिए माजरत चाहता हूँ। असल में काफी देर से बाहर ही खड़ा था, बस दरवाजे पे दस्तक देने की हिम्मत नहीं हुई। अब जब आप आ ही गए थे तो दस्तक देने में काहे को सर मारे? ये हिम्मत तो शायद मैं अपनी ना कर पाता दादी, लेकिन जब से चची जान ने हूर की हालत के बारे में बताया मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो क्या आप पहले नहीं जानते थे का? नहीं दादी, मैं अपने मसलों में इतना घिरा हुआ था कि वैसे हमें कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हम कहे बगैर रह भी नहीं पा रहे। जैसी दोस्ती हमने आप चारों के दरमियान देखी थी वैसी कहीं और नहीं देखी। लेकिन ये भी सच है कि जो अंजाम हम अब इस दोस्ती का देख रहे हैं ऐसा अंजाम इससे पहले कभी किसी का नहीं हुआ होगा। तो तुम भी मुझे ही कसूरवार समझती हो? नहीं नहीं, हम कौन होते हैं आपको कसूरवार ठहराने वाले। आपने अपनी मजबूरियों का जिक्र किया तो हमें इसने सोचने पे मजबूर कर दिया। इन बातों को छोड़, जाओ इनका वास्ते कुछ खाने पीने को लेके। जी दादी। दादी हूर कहाँ है? वो काशी और शौकत के साथ मजार पे गई है, आती होंगी। आप चुपचाप शादी कर लिए, हमको बताया भी? नहीं नहीं दादी, वो शादी तो नहीं थी, वो तो बस का वो शादी ना थी तो फिर का था? खुद से फरार की कोशिश या फिर खुद को धोखा देने की? दादी बहुत वक्त हो गया है, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए अब। अरे ना, आप थोड़ा सा इंतजार करें, आते ही होंगे। वो हम काशी को कहे थे कि हूर का थेरेपी का टाइम हो गया है तो बस आता ही होगा। आ गए। क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हारी बीवी के दिल में ठंडक नहीं पहुंची थी जो तुम्हें भेज दिया ताकि तुम मेरी माजूरी का मजाक उड़ा सको? ये क्या कह रही हो तुम? और मैं क्यों देखूंगा तुम्हारा तमाशा? और प्लीज तुम तो मेरी सिचुएशन क्यों क्यों समझो? तुम्हारी सिचुएशन तुमने समझी थी परी की सिचुएशन? हूर जी, सात भैया हमारे मेहमान हैं और मेहमान अल्लाह मियाँ की रहमत हुए हैं, इसलिए आप इनसे अच्छे से बात कर ले। देखो काशी, तुम्हें अगर बात करनी है ना तो तुम कर लो भले, क्योंकि मुझे इसकी और इसकी बीवी की शक्ल तक नहीं देखनी। जा रही हूं मैं। नहीं हो, प्लीज प्लीज सुपेटा मेरी बात को सुन ले। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, ये दिल पे पहले ही बहुत बोझ है, तुम इस तरह मुझसे नाराज हो कि मेरा बोझ और मत बढ़ा। प्लीज बिटिया, अदालत भी कत्ल के मुजरिम को सफाई का मौका जरूर देगी, तुम भी इस बच्चे को एक दफा बात करने का मौका तो दे दो। कहो जो कहना है।